वेलकम टू जैकफोन, और आपके सामने है हुंडई ईवन, जिसको कहा जाता है अल्टो हाइड्रेंडेड का सेकेंड ब्रदर। भाई कसम से जो इसमें खूबियाँ है वो अल्टो हाइड्रेंडेड देख किसको बनाया गया, तो कसम से इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो एकदम बहुत ही क्लियर है। वही लुक है छोटे परिवार की, छोटा सा थी। ये पहली ऐसी कार थी जिसने हुंडई 5 सीटर और 800 cc इंजन के बनाया था। वही अपना टायर है MRF का, लगभग 13 इंच व्हील, 14 इंच की व्हील के साथ आती है। ये देखिए कसम से एकदम अलग ही लुक है इसका, जिसका दिखते हैं 800 cc सबसे ज़्यादा जो पावर। तो हुंडई की बात ही अलग है, ऑल्टो 800 और हुंडई में बहुत ज़मीन आसमान हो सकता है। ये शानदार हुंडई के लोगो एकदम अलग सी लगती थी, जिसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद गजब से। ये मिडिल क्लास की पहली पसंद थी जिसको हुंडई ने एक समय के बाद बंद कर दिया, और गजब से मतलब सा लुक था एकदम। ये देखिए नॉर्मल सी वही बाइक है, कुछ नहीं चलाने में जितना मज़ा आता है वही नॉर्मल से एंटीना दिया जाता था। भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत गजब की ये थी, अच्छा खासा नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिससे कहीं भी आसानी से निकल सकती थी। ये देखिए वही पावरफुल 800 से मिलता जुलता इंजन, और भैया परफॉर्मेंस इसकी एक अलग ही बात थी, क्योंकि हुंडई एक यूनिक और स्पेशल चीज़ें बनाती है, जापानीज टेक्नोलॉजी से निर्मित इंजन एकदम बेस्ट है। ये हुंडई का लोगो बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है, ये पावरफुल 800 cc का इंजन, जो एक अलग की एक खास बात बहुत अलग है, वो गाड़ियों को बहुत ठोस बनाती है। और किसी का जी बोनट का बुप होता था बहुत हल्का था, लेकिन इसका अभी भी वैसे ही बहुत ही भारी है। नॉर्मल सा स्टीरियो, लेकिन तब भी बहुत कुछ देती थी, 1 एयरबैग के साथ भी आती थी, लेकिन ये एयरबैग कंपनी नहीं देती थी। वही शुरू शुरू में मारुति सुजुकी वाली सबकी अदर से लेती थी। ये देखिए म्यूजिक सिस्टम के साथ आती थी, गजब से सब चीज़ें, 2 पावर विंडोज के साथ, बस स्पेस एकदम नॉर्मली सा रहता था। ये देखिए बैठने के बाद, लेकिन ठीक है एकदम मस्त परफॉर्मेंस आता है। ये देखिए एकदम हेडरेस्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन गजब से 5 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं इसमें। पीछे वही नॉर्मल सा हैंडल है ऊपर नीचे करने वाला, ये मिरर लॉक वाला ऑप्शन एक अलग कहानी थी, लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, अब जिसमें यहाँ पे आता है, लेकिन ये पुराना मॉडल है इसीलिए इसमें नहीं दिया गया है। भाई कसम से एक अलग ही लेवल था। और ये स्टीरियो इसका एक अलग सा ही लुक आता था, जिसको देखते देख बेहतरीन है। ये हुंडई की बहुत खासियत थी, बहुत ही यूनिक चीज़ थी। 215 लीटर का स्पोर्ट बेस, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होता है, लेकिन भाई 215 लीटर के हिसाब से बहुत ही गजब के बूट स्पेस है और मस्त है। इसकी अनलॉक इस पर नंबर मिट गया, लेकिन इस पर एक बहुत खास बात आती है, इस पर एक अलग से साउंड का सिस्टम आता था, जो गाड़ी सिस्टम भी अलग से आता था, जो मिट चुका है। ये नीचे अनलॉक या अनलॉक है, लेकिन मिट गया। इसमें अलार्म का सिस्टम इसलिए आता था क्योंकि गाड़ी लॉक सिक्योरिटी लगा के कहीं भी खड़ी करती, जो कोई दूसरा छुएगा तो वो बीप करती थी नॉर्मल से। की साइड प्रोफाइल देखने में एकदम गजब से लुक, वही भैया 800 की जितना साइज और परफॉर्मेंस वैसे भी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, नई नई वीडियो के लिए जैकफोन चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक्स।